धरती हो या आकाश या फिर हो समंदर, लेकिन रूस के चौतरफा हमले से कांप उठा है यूक्रेन। सहम गई है पूरी दुनिया। हर तरफ गोलियों की तड़तड़ाहट और बमों का धमाका सुनाई दे रहा है। यूक्रेन में अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो वो है धुआं। हर दिन की शाम और हर दिन की रात को लोग सोचते थे कि रूस का यूक्रेन से युद्ध होगा या फिर टल जाएगा। पूरी दुनिया इस युद्ध को टालने में लगी थी, लेकिन शायद ये युद्ध होना तय था, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सुबह के 5 बजे यूक्रेन वासियों को नाश्ते में गोलियों की बौछार और बमों का धमाका परोस दिया था। पुतिन के इस कदम से यूक्रेन दहल उठा है। बचने के लिए नाटो देशों से गुहार लगा रहा है, लेकिन उस वक्त रूसी सैनिक अपनी पूरी ताकत के साथ यूक्रेन में बमबारी करके अंदर दाखिल हो गए थे। लेकिन रूसी राष्ट्रपति के इस आदेश के बाद सेना ने यूक्रेन के पूर्वी इलाके से बहुत दूर राजधानी कीव और देश के और शहरों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए जोरदार हमला शुरू कर दिया था। और रूसी सेना ने यूक्रेन के कमांड और कंट्रोल सिस्टम, एयर डिफेंस ठिकानों और एयरबेस को निशाना बनाया, ताकि यूक्रेन की सेना की अपनी रक्षा करने की पूरी ताकत को तबाह किया जा सके। इस बीच चिंता अब इस बात की सताई जा रही है कि ये चौतरफा हमला यूक्रेन के पूर्वी इलाकों में मौजूद सेना को फंसा सकता है। रूसी हमले से यूक्रेन के सैनिकों को युद्ध क्षेत्र में सप्लाई नहीं मिल पाएगी और वो फंस कर रह जाएंगे। यही नहीं, बल्कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर उत्तर की ओर से रूस के कब्जे का खतरा पैदा हो गया है और रूस की सेना ओडेसा और मारियोपोल इलाके में समुद्र से हमले कर रही है। चौतरफा हो रहे इस हमले से संकेत मिल रहा है कि रूस का ये हमला दुनिया के सबसे बड़े हमलों में शामिल हो गया है। माना जा रहा है कि यूक्रेन के लिए आज की रात कत्ल की रात होगी और इससे पता चलेगा कि ये जंग किस ओर बढ़ती दिख रही है। इस रूसी हमले से अब यूक्रेन में बड़े पैमाने पर शरणार्थी संकट में आ गए हैं। कीव की सड़कें गाड़ियों से पट गई हैं और सभी लोग शहर छोड़कर जा रहे हैं। आकाश में बड़े पैमाने पर रूसी बॉम्बर देखे गए हैं और रूसी सेना के टैंक अब यूक्रेन के कई शहरों में घुस चुके हैं। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि उनका देश आत्मसमर्पण नहीं करने जा रहा है। बहरहाल, हमारी इस खबर पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।